पायल आ गई है। अभी सामान नहीं उठाया, सारा सामान मैंने उठाया वहाँ पे। बोलो, बिल्कुल शर्म नहीं है इसको। मैं अब मैं नहीं रखूंगी, सारा सामान रखेगी गोलू। रख दूंगी जब रखना होगा मुझे, ये मत बोलो आते ही रख। इसकी आदत है ना लड़ने की। मैं बड़े बुजुर्गों की लड़ाई में नहीं पड़ता, मैं कोई काम नहीं करती। आप करके बोला कर मुझे थप्पड़ मारोगे मुंह पे। सीरज जी पीछे छुप रही है। गाइस वेलकम बैक टू नो व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। गोलू और पायल गई है बाहर सामान लेने, और जैसे आती है आपसे मिलवाते हैं उनसे, क्योंकि राशन ख़त्म हो गया था और बाहर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी लोग हैं, टीम में भी हैं, घर में भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो राशन ख़त्म हो जाता है 10-15 दिन में। तो जैसे आते हैं आपसे मिलवाते हैं। तो भैया पायल आ गई है, गोलू आ गया सामान लेके, बहुत सारा सामान आ गया इनका। बहुत सारा सामान है यार, है ना, थक गया, बहुत सारा है सामान। बहुत ही है इसे ना, वहाँ पे एक भी सामान नहीं उठाया, सारा सामान मैंने उठाया वहाँ पे, और यहाँ पे भी उठा के मैं ला रही हूँ, लिफ्ट तक भी मैंने रखा है। बोलो, बिल्कुल शर्म नहीं है इसको। हाँ सामान ले लेना, उठा लेना यार, मैंने उठाया तो वहाँ से उठाया था। देखा इसको उठाते हुए आते यहाँ के, ये सच के बैठ गई। मैं दिखाऊं क्यों उठाया है, वहाँ पे उठाया था ना मैंने सामान, तूने अकेले नहीं लिया सारा सामान। ये कैमरा तो अभी ऑन हुआ है, तब से सामान मैं रख रही हूँ। नहीं ये तूने अकेले ने लिया है कि सारा सामान? सारा सामान मैंने तो ट्रॉली सारी मैंने भरी। भैया दो ट्रॉली किसने भरी है? चीकू बताएगा, चीकू किसने मैंने भरी है। आप तो बहुत लेट में आए थे बेटा, ये तो बेटा लेट आए हो, आप तो एंड में आए हो, बिलिंग में आए हो तुम। हां अभी रसोई में बस यार, बस मैं अब मैं नहीं रखूंगी, सारा सामान रखेगी गोलू। रख दूंगी जब रखना होगा मुझे, ये मत बोलो अभी आते ही रख। वो रख देगी अंदर, तो रख। उसको नहीं पता गुड्डू कहाँ क्या रखना है, फिर हम ढूंढते रहेंगे, फिर मिलेगा नहीं कुछ। तो थोड़ी देर में रख, अभी आती रखू, पहले सामान रखू, आके बैठू ना। तू तो बैठ गई थी, मैंने रखा सामान सारा, खाना भी नहीं खाया सुबह से। मैंने कौन सा खाया? तो लड़ क्यों रहे हो? कोई मैं रख दूंगा, आदत है ना लड़ने की। मैं रख दूंगा, मैं रख दूंगा। नहीं आप क्यों रखोगे, आप छोड़ो, रख देंगे हम। शॉपिंग कर रहे थे, ठीक है, भाभी ने पूरा ये उठा के ट्रॉली में रखे थे, ठीक है, भाभी ने पूरा ट्रॉली में रखे थे, फिर इधर से फिर इधर पे लिफ्ट में निकलते समय पे भाभी ने पूरा सामान लेके आया, भाभी बोले मैं थक गई। हो गया तुम्हारा भी, मतलब ये भी गलत है तुम्हारा, मैं भी गलत हूँ। हाँ ठीक है, तू बहुत काम करती है। कोई बात नहीं, मेरे को गिनवाने की आदत नहीं तेरी तरह की, काम करो गिनवाते रहो, मैंने ये करा मैंने वो किया मैंने ये किया मैंने वो किया मैंने वो किया मैंने ये 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 किया मैंने बिल्कुल। देख नितिन भैया कैसे देख रहे हैं, दो बंदे और कैसे देख रहे हैं कि कहाँ गए हम। आप देख रहे ना, इनको भी तो पता चले तेरी असलियत क्या है, कि तेरी असलियत क्या है। सही बात है, सही बात है, सही बात है, बैठी रहती है, बैठी रहती है, सही बात है, सही बात है। नितिन भैया आप भी कुछ बोल लो। तो नितिन जी आप भी बड़े, मैं बड़े बुजुर्गों की लड़ाई में नहीं पड़ता। चाय बना दे, थोड़ी सुन लिया कर। चाय बना दे यार, थक गया है, सुबह से खाना तक भी नहीं खाया है। इनको तो बिल्कुल शर्म नहीं है। सुबह उठी हुई हूँ तो मैंने सारी पूजा वूजा करके और सब्जी का सारा सामान करके उठी हूँ। तू क्या करके गई है घर से? मैं कोई काम नहीं करती, कभी भी नहीं उठी। मैं बता दू इसने क्या किया, उठी नहीं करती कुछ। प्राची ऐसे जूस, भाभी जूस बेड पे पड़े पड़े पी लिया, फिर कह रही मैं रेडी हो जाती हूँ, मैं जा रही हूँ सामान लेने। नहाई नहीं, धोई नहीं, कुछ नहीं किया, सीधे रेडी हुई और मेरे साथ चली। मैं कोई काम कभी नहीं करती, ये सिर्फ देखा ही नहीं। सिर्फ नाम होता है गुड्डू कि गोलू साथ जा रही है सामान लेने ना, सारा करना। अगली बार काम करा कर मुझे लेकर मत जाएगा, खुद जाकर अपना सामान लेकर आएगा। मैं तो बोला ही नहीं तेरे को चलने के लिए, तू मत लेकर, तू ही रेडी हुई थी। हां ठीक है ठीक है, तू ये अगली सुन, एक बार तू शॉपिंग करेगी, एक बार मैं करूंगी ना, मुझे तेरी जरूरत नहीं। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, तेरे को नहीं भेज सकती मैं, आधा सामान आएगा आधा नहीं आएगा। इसके बिना तो घर कभी चला ही नहीं भैया, इसके बिना तो हम रोटी नहीं खाते। ये नहीं होती तो हमें रोटी दिखती नहीं है, रोटी बनती नहीं है, तभी तो खाओगे। चुप रहे यार, चुप रहे, तू चुप रहे, आपको इतनी इंपॉर्टेंस मत दे। मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ मेरे को इंपॉर्टेंस दो। तेरे बिना सब काम होते हैं, कुछ नहीं होता, सब होते हैं, सब खाती हैं। वो बदबू आ रही है जलने की, कोई जल रहा है। यहीं रह खड़ी हूँ, मैं यहीं खड़ी हूँ, यहीं खड़ी हूँ, ग्लास तक नहीं गई थी। तेरी तरह नहीं हूँ कि बैठी रहेगी, ग्लास आएगा फिर जाएगा, खुद रख सकती हूँ।
ज्यादा बोल रही है आजकल तू। तू भी कम बोल। आप करके बोला कर मुझे, थप्पड़ मारूंगी मुंह पे। गुस्सा कर, थप्पड़ मारूंगी मुंह पे। आप करके बोला कर, तेरे से बड़ी हो, बिग बॉस से घर नहीं है ये। इनमें से कौन सी मम्मी चाहिए? बोलो मम्मी। ओह आज के बाद ना मेरे पास सोइयो मत। अब क्या खोलने की तैयारी है? सामान सेट करेंगे। और क्या, कितना सामान है? अभी दिखा रही है कैमरे के सामने ना के काम करती है, इसलिए खोल के बैठी है। मम्मा ना, खुद भी काम कर लिया करो आप दोनों। गोलू का काम करके दिखा दे बेटा। चीकू के लेकर आए देखो। जब कितनी बैठी थी क्या स्पाइडरमैन की। इसको तो ना नीचे बिठाया करो, काम था मुझे ना घर का। औरतों के बीच में नहीं होते, सोसाइटी की औरतें बैठी नीचे हो रही है और उसकी लड़की ने ये किया, उसकी लड़की ने वो किया, इसमें बिठा दीजिए इसको। सबसे ज्यादा चुगली बात की होती है, सबसे ज्यादा बकचोदी तो ये करती है, हैं? यू सारे दिन बोलती है। मेरे को पता वो क्या बोल रही थी अपनी दीपिका, कह रही दीदी आप ना बहुत चुप रहते हो। मैं कहा मैं अपनी ना एनर्जी वेस्ट नहीं करती बोल बोल के, और ये सारे राशन आ गया काफी मात्रा में और सबके घर ऐसे ही राशन आता रहे टाइम टू टाइम। बकवास है पायले वापिस है कुछ जो मेरा ना ब्लैक वाले सैलून में होते हैं वो चाहिए। तो भैया काफी मात्रा में माल आ गया है, अभी ये सजाने के लिए लगा देंगे, रसोई में रखना है इसको सारा सामान। और बाहर का मौसम बहुत ही मजेदार हो गया, जबरदस्त मौसम, मौसम चेंज हो रहा है। चीको लग जाइए बेटी, तू मत कर। हैं क्या रह गया? पैक कर दे वापस, पैक कर दे वापस इसको। गर्म हो रहा है तू, बकवास है ये, वापस दे दो। आपने दुकान देखी नहीं ना भैया? तुम मुझे 3000 वोल्ट कह रहे थे। 3000 वोट है ही नहीं ना उसके अंदर, हमें लगा 3000, उसने लिखा भी 3000। इसमें तो वेट भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, देखो 2000 वोट है ये। चीकू चीकू आप छोड़ दो, मम्मी कर लेंगी बेटी, छोड़ दे तू। पापा थोड़ी हेल्प अपने माँ बाप की भी कर लिया करो। वो ये सिखा रहा है कर लिया करो, मतलब करना चाहिए ऐसा। ये बोल नहीं पाता बट ये बोलता सही है। तो भैया कोई मेहमान आ रहा है घर में, फटाफट ये उठाना पड़ेगा हमने रस्ते से, तो फटाफट रखो। चीकू आप बाहर आ जाओ। पापा हाँ, मम्मी पापा की मदद भी कर लिया करो बचपन में, करनी चाहिए। अपना टिफिन देख रहे हैं, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार मौसम है और साथ के साथ हमारे घर पे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त आए हुए हैं, सिमरन जी हैं, साथ में सीरत भी है। और सीरत एक बहुत ही बेहतरीन क्या बोलते हैं इंटरव्यू जो लेते हैं लोगों का, एंकर यानी कि एंकर। अभी मेरे पीछे आएंगे वो, थोड़े साइड में है, इधर है। हाँ जी सिमरन जी, क्या हालचाल? नहीं सिमरन जी तो इधर है, क्या हालचाल? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। सब मजे में है। तो आपने आज व्यू देखा यहाँ से? हाँ, तो बहुत जबरदस्त लग रहा है, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। बारिश हो रही है और ऊपर से धूप है। सीरज जी पीछे छुप रही हैं, की कहना चाहोगे जैसे? ऑल गुड, वेरी गुड। नहीं और कुछ? नहीं और भी कुछ कुछ तो कह दो। गुड लक टू एवरीवन, बी हैप्पी। कुछ संदेश देना चाहते हो समाज को? जस्ट बी केयरफुल एंड बी नाइस टू एवरीवन। तो ये स्काई न्यूज बाद में है, पहले हमारे फैमिली मेंबर हैं। तो ये हमारे फैमिली मेंबर पहले हैं, वो बाद में। तो मौसम बहुत ही जबरदस्त है, आप देख सकते हो। जबरदस्त मतलब जबरदस्त यार, आज पोल्यूशन नहीं है यहाँ पे। सिमरन जी हमारे यहाँ आनंद ले रहे हैं धूप का, और विटामिन डी बहुत जरूरी है। हाँ जी चीकू देखो, देखिए मैं देखिए इसकी बेडशीट न्यू। तो बहुत दिन से सीरज जी बोल रही थी आना है पर आज दर्शन दिए उन्होंने। हाँ बिल्कुल जी। रेनबो उधर उधर है, ध्यान से नीचे मत गिर जाना। ठीक है ठीक है। हाँ बहुत ही मजेदार है। तो बहुत ही सुंदर रेनबो आया है घर के बाहर ही आज। तो कैसे हैं आप, कैसे हो, कैसे हो आप, कैसे हो पूछ रहे हैं? बस ऊपर आके देखो बहुत अच्छा। सीरज जी कुछ खरीदना तो खरीद लो।
देखो तो किचन में कुछ चाहिए तो ले जाओ घर के लिए। नहीं नहीं थैंक यू। आओ देख लो इतना माल लेके आए हैं। ये देखो कुछ भी चाहिए हो ना देखो यहाँ पे एप्पल भी है सारी दुकानें हैं हमारे पास। बिस्किट दिखा दो तो ये देख रहे हो इनके पास बिस्किट के इतने पैकेट है इतना तो दुकान में भी नहीं होता। बस ठीक है चीकू चीकू हम बाहर बहुत कम निकलने देते हैं इसलिए सब कुछ चीज हम घर में ले आते हैं। नहीं अच्छी बात है। तो पायल ने बनाई है मजेदार चीज चाय मेरे लिए मतलब पीछे से वो नहीं वकील है वकील है ये मैं पायल के लिए ज्यादा हूँ बड़ा प्यारा सा लग रहा है देखो कितना अच्छा लग रहा है और पता है वो रेनबो था ना उसमें अभी सारे कलर आ गए हैं। कुदरत से बड़ी चीज नहीं है कुछ ये सामने वाला है ना बहुत अच्छा लग रहा है है ना मजा आ रहा है ना। 2 3 give me a proper one proper as in like this ऐसे वाली साउंड निकाल बेटा साउंड वाली कर दे ना सब क्यों दिए कोई संग नहीं आती इसको। तो मजा आ रहा है आज का मौसम ना बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही जबरदस्त है रूम से सीधा नजारा यहाँ का और पायल और गोलू लेके आए एक नई सी चद्दर जबरदस्ती चीकू के लिए चीकू आपके लिए लाया मम्मी तो बहुत ही मजेदार सी चद्दर है चीकू अब रात को यहीं पर स्पाइडरमैन बनेगा। एक बार बोलूं चद्दर ना ऐसी नहीं आएगी चद्दर ऐसी आएगी स्पाइडरमैन थोड़ा स्पाइडरमैन उल्टा आएगा बस कोई बात नहीं हम इसको ऐसे आएगा बोलूं ऐसे आएगा ऐसे मैं भी तो ऐसे बोल रही हूं कि चार कोने बैठ ही रहे ना यार चद्दर बहुत अच्छी है ऐसी चद्दर और लेके आए। हां भैया देखो चीकू की नई चद्दर। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़।